हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं कड़क सोन हलवा। तो उसके लिए यहाँ पे एक कप मैदा लिया है, और वैसे तो ये अंगूरी आटा से बनाया जाता है, मगर आज हम घर में मैदा से ही बना रहे हैं। और एक कप इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मिठाई हम अक्सर मार्केट में देखते हैं, दुकानों में, तो लगता है कि सोचते हैं कि ये मिठाई खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, मगर इसको बनाना बहुत मुश्किल है। कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वही सोच के रह जाते हैं। तो इस तरह आज घर में हम बना के तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका से ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हो आप। तो इस तरह मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ कटोरियाँ लिए हैं, यहाँ पे हमने कांच की कटोरियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग यहाँ पे डिजाइन से हम बनाएंगे, और हम कुछ स्टील की भी कटोरियाँ यूज़ की है। आप कोई भी कटोरी यहाँ पर ले सकते हो प्लास्टिक के अलावा। और इसमें घी डाल के अच्छे से चिकनी कर ले कटोरिया को। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए, तो काजू है, बादाम है, किशमिश है, कुछ खरबूजे के बीज डालेंगे। आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट यहाँ पे इस तरह लगा के यहाँ पे कटोरियों को सजा सकते हो इस तरह। वैसे ही हम जैसे मिठाई सेट करेंगे, और जो मिठाई हम तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी लगेगी दिखने में। इस तरह हम ड्राई फ्रूट डाल के तैयार करेंगे, तो सभी कटोरी में हम ड्राई फ्रूट इस तरह डाल देंगे। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिएगा। तो इस तरह देख सकते हैं सभी कटोरियों को हम तैयार कर लिए। अब यहाँ पे गैस पे पैन रख दिया, और 3 चम्मच देसी घी डाल देते हैं इसमें। आप यहाँ पे घी 1 चम्मच और भी डाल सकते हो, वैसे 4 चम्मच भी डाल सकते हो यहाँ पे। इस तरह 3 चम्मच घी डाल के और गैस ऑन करके इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे घी को। वैसे तो ये मिठाई तेल में भी बना सकते हो, मगर ज़्यादा अच्छी नहीं बनती तेल में जितना अच्छी घी में बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे घी में ही बना रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे घी मेल्ट कर लिया हमने, और 1 कप यहाँ पे हम जार डालेंगे चीनी। 1 कप लिया, जैसे कि हमारी 1 कटोरी के जितनी यहाँ पे चीनी है। और इसको कंटिन्यू इस तरह चलाते हुए, और गैस को मीडियम रखें और चलाते हुए इसको मेल्ट कर लेनी है। तो देख सकते धीरे धीरे घी में मेल्ट करना है इसको, यहाँ पर पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और इस तरह चलाते चलाते जैसे कि हम जितना चलाएँगे कंटिन्यू, और मेल्ट हो जाएगी ये धीरे धीरे। तो ये देख सकते हैं हमने चीनी को अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर ली, आपको दिख रहा होगा, इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा और चलाएंगे तो ये देख सकते हैं इसका कलर हमने कंटिन्यू चलाते हुए 5-7 मिनट होगी और बिल्कुल तैयार होगी। तो अब यहाँ पे नीचे उतार लिया हमने, और जो आटा था हमारा उसको डाल देना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर नीचे उतार के ही, हम गैस को बंद करके नीचे उतार के ये सब प्रोसेस करना है। तो इस तरह कंटिन्यू जल्दी जल्दी हाथ घुमाना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे स्लो नहीं करना, हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो ये जल्दी से सेट हो जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं इसमें जैसे बबल आपको दिख रहा होगा, ये जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और हमारा जो घी और हमारे जो मैदा डाली थी अच्छे से मेल्ट कर ली और बिल्कुल तैयार हो गया। तो कटोरी यहाँ पर हम ले ली और इसको चलो सेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बहुत बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो आप इस भी जगह पे कोई भी, आप किसी की मदद भी ले सकते हो, यहाँ पे आप अकेले से नहीं हो पाए तो इस तरह हम डाल देंगे सभी कटोरियों में। और हमने अलग अलग कटोरी ली है यहाँ पे, तो इस तरह सभी कटोरियों में इस तरह डाल के हमने कर लिया है बिल्कुल तैयार। तो ये देख सकते हैं सभी कटोरियों में हमने कितना जल्दी जल्दी हाथ चलाया, कितना जल्दी जल्दी तैयार किया है। और अब ये कि स्टील की चम्मच ली है यहाँ पे, जो हम घर में यूज करते हैं, उसको पीछे से चिकना कर ली। सभी कटोरियों को इस तरह हम अच्छे से सेट कर लेंगे मिठाई को, और 5 मिनट यहाँ पे छोड़ देंगे। देख सकते हैं 5 मिनट में अच्छे से सेट होगी। और यहाँ पे आप हाथ से निकाल सकते हो, हमने थोड़ा सा आपको चाकू से निकाल के दिखाया कि आप हाथ से अगर ट्राई करें नहीं निकले तो यहाँ पे चाकू से भी निकाल के तैयार कर सकते हो। वैसे तो देख सकते हैं बहुत ईजी, आप हाथ से निकालोगे तो जल्दी से निकल के तैयार आज हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई बनाने में, बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें। बस थोड़ा सा आपको दिक्कत वहीं आती है जैसे कि हम मैदा डालते हैं, तो वहाँ पर हाथ आपको जल्दी जल्दी चलाना होता है। कितनी अच्छी लग रही है मिठाई। तो यहाँ पे हमने सभी मिठाई को निकाल के साफ कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कटोरी में हमने नहीं डाला, 3 कटोरी 3 तरह की ली है, और अलग अलग ये शेप दिया है मिठाई का, और कितनी अच्छी लग रही है दिखने में भी। तो इस मिठाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खाने में। वैसे ये रख के बहुत ही टाइम तक आप रख सकते हो इसको, बहुत ही प्यारी लगती है दिखने में भी, और प्यारी दिखने में लगती है उतनी यहाँ पे खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो अगली रेसिपी किस पे चाहिए वो मैं कमेंट बताएं। बाय बाय, थैंक यू।